कहते हैं आगे रास्ते में जब बढ़ रहे हैं तो भीम की चाल से भी बड़े बड़े शिलाखंड कंप रहे हैं, वृक्षों में भी जैसे कंपन हो गया। एक रास्ते में उनको बंदर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। उस बंदर को देखकर भीम ने कहा, हे बंदर, मुझे रास्ता दो, रास्ते से हट जाओ। ऐसा है कि किसी को लांघना नहीं चाहिए, आज भी न लांघने की परंपरा है। बंदर ने कहा, आप मुझे उठा लो, उठा दो, एक तरफ कर दो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, शरीर भी रुग्ण है, आप रास्ता चाहते हो रास्ता खुद बना लो, उठा के मुझे एक तरफ कर दो, मुझसे उठा नहीं जाता। फिर लेट गया, जैसे लेटा था फिर लेट गया, थोड़ी थोड़ी आंखें खोल करके धीरे धीरे बात की। भीम उस बंदर को पूंछ पकड़ के बाएं हाथ से उठाने लगे, नहीं उठा। भीम सोचते हैं ये बानर इतना वजनदार है कि मुझसे उठता नहीं है। दोनों हाथ से उठाए, दोनों हाथ से भी नहीं उठा। अब भीम को लगा कि यह कोई बंदर, असाधारण बंदर होना चाहिए। हतप्रभ होकर, चकित होकर, अपने आप में ग्लानी अनुभव करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप कौन हैं। उस समय ये बंदर और कोई नहीं, श्री हनुमान जी थे। श्री हनुमान जी कहते हैं, भीम, मुझे पता था तुम इधर से जाने वाले हो। बात यह है कि तुम मेरा छोटा भाई है, पवन पुत्र, क्या है, पवन अंजन पुत्र, पवन सुतनामा। श्री हनुमान जी, मुझे लोग पवन सुत कहते हैं और तुम भी वायुपुत्र हो, पवन पुत्र हो। मैं तुम जैसे अपने छोटे भाई का कहीं आगे चलकर नुकसान न हो जाए इसलिए मैं यहां पर आ गया, यही मेरा निवास है। आगे मनुष्य नहीं जा सकता, मनुष्य के जाने की सीमा वहीं पूरी हो जाती है। तुम जाओ और आगे तुम्हारी किसी भी तरह की क्षति हो जाए, मुझे लगा उचित।